बाहर आए सर, बाहर आए किसकी सूचना से आए, क्या सूचना मिली जो आप अपने फोर्सेस के साथ यहाँ आए? बड़ी तत्काल से सूचना के बाद फिर यहाँ मैंने अपने चौकी स्टाफ को भेजा था, मैं खुद बाहर था तो तत्काल में भी यहाँ आया। सूचना क्या थी? सूचना यह था कि यहाँ बाहर नया पारा में विभाग के जो ऑफिस है वहाँ कुछ ग्रामीण लोग आ गए हैं। उसके बाद आ गए हैं वो अलग मैटर है, और आ गए हैं मैटर में आप तो नहीं आए होंगे, कुछ न कुछ ऐसा सूचना मिला होगा कि उपद्रव है कि कुछ ऐसा दुर्घटना इसलिए बन रही है। यह बोला कि जो अभी कुछ समय पहले चीतल का शिकार के संबंध में पकड़े गए थे उसी के संबंध में कुछ लोगों से पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था, तो उसमें कुछ दखलंदाजी उधम कर रहे हैं। बोले सर इसमें भूमिका में पुलिस विभाग की क्या भूमिका रहेगी? सर पुलिस विभाग की भूमिका शांति बनी रहे और किसी तरह का कोई आपराधिक गतिविधि ना हो, वही पुलिस का काम है और उसमें हम लोग लगातार प्रयास करेंगे किसी तरह ना हो, अगर कोई करता है कार्रवाई करेंगे। सर आपके आने के बाद में स्थिति क्या कहती है यहाँ? स्थिति फिलहाल अभी शांतिपूर्ण है और विभाग के आप अधिकारियों से मैंने चर्चा भी की है और जानकारी ली है, और ग्रामीणों यहाँ के सरपंच और ग्रामीणों से भी चर्चा करूंगा और उनके अनुसार जैसा भी स्थिति होगी। अच्छा, क्या आपके स्टाफ इस सुरक्षा व्यवस्था में पदस्थ रहेंगे अभी कि नहीं रहेंगे? जैसी आवश्यकता होगी वैसा करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो अभी भी मैंने बाहर से बल मंगवाया है, सोनाखान से और आसपास के आए भी हैं, और जैसी कितनी संख्या में बल मंगवाए हैं? अधिक से अधिक बल के लिए मैसेज करवाया था और कुछ लोग आ गए हैं और कुछ अभी आ भी रहे हैं। जी अभी पदस्थ यहाँ पर रहेंगे, उपस्थित रहेंगे आपके दल बल? नहीं वो देखना पड़ेगा सिचुएशन के साथ, साहब से बात करने के बाद में। धन्यवाद। ग्रामीणों के द्वारा घेर लिया गया है, इस संबंध में हमारे पास सूचना है, इसी वजह से हम आपके पास आए हैं, बताएंगे सर इसमें हुआ क्या है। ये बात सही है कि आज यहाँ लोकल आसपास के 5-6 गांव के लोग करीब 150 से 200 लोग द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया कि आप द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वहाँ यहाँ लोकल स्थानीय लोग को भी उसमें आप लोग पूछताछ के लिए बुलाए हैं और इनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया जा रहा है, आप लोग उनको बुलाए हैं तो उस समय आक्रोश व्यक्त किया था। हमको ये था, हमारा ये कहना था उसमें कि ये जो है कहीं ना कहीं बयान में या पूछताछ की कार्रवाई में आए हुए हैं, इससे इनसे पूछताछ की जा रही है और यदि ये इनसे संलिप्त नहीं पाए जाएंगे तो इनको छोड़ दिया जाएगा, बस इतना ही कहना था। उनके मन में भय था कि प्रक्रिया में हमारे को भी ना अरेस्ट करा जाए, हमारे परिवार के लोगों को अरेस्ट ना किया गया, इस वजह से इनको आक्रोश करके कार्यालय इकट्ठा हुआ। सर तो भय किस बात की थी ग्रामीणों का, क्या आपके हिसाब से इस चीतल प्रकरण में 7-12 को जो अवैध शिकार हुआ जिसमें कुल 6 आरोपी अभी तक हम लोग लेके रिमांड पे लिए हैं, 2 अपराधी और फरार हैं, फारूकी जावेद फारूकी और अरसद ग्राम सिनोदा के हैं और एक वन विकास निगम का कर्मचारी है। कल जो 4 आरोपी आपने पूछताछ के लाया, क्या बयान लिया सर, उनके बयानों से क्या रहता है? पूरी नहीं हो पाई थी, अभी अधूरी थी, उनके द्वारा इसके पूर्व में कुछ यहाँ पर कुछ कुत्ते द्वारा जो दौड़ा के कोई घायल वायल कर देता है उस टाइप की कुछ चीजों को ये बताना चाह रहे थे कि हम लोग शिकार नहीं करते हैं, इस टाइप से कुछ गिरा पड़ा या मरा या घायल करा हुआ आता है तो उसको हम लोग एक आध बार लाए हैं, परंतु पूरी हम लोग की जानकारी नहीं हो पाई और ग्रामीणों द्वारा आज आक्रोशित व्यक्त किया गया तो उनको छोड़ा गया मुचलके पे, और जब भी उनको जरूरत पड़ेगी सहयोग करेंगे इस तरफ पे हम लोग छोड़ा। तो ग्रामीणों द्वारा जो आक्रोशित होना पाया जा रहा है, क्या लगता है सर आक्रोशित होना बल्कि सहयोग करना होता है? बार अभ्यारण में उनका जीविका चल रहा है, अन्य कार्यों में उनको रखा जा रहा है, विभाग के द्वारा से रोजगार दिया जा रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में उनको सपोर्ट करना चाहिए आपके विभाग को, जबकि सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, इस संबंध बताएंगे सर? उनके मन में कहीं ना कहीं ये भय होगा कि कुछ दबाव में आके हमारे जो कम उम्र के बच्चे हैं वो कुछ ऐसी चीज ना बोल दें कि हमारा नाम भी आ जाए या कहीं कुछ संलिप्तता हो, इसकी वजह से हमको लगता है कि लोग इस टाइप का आक्रोश व्यक्त करने आए थे।